आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो 1983 में एयर कनाडा फ्लाइट के साथ हुई थी। फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में ना जाने कितनी फ्लाइट आसमान में एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और इंडिया में भी 70 से 80 हज़ार करीब फ्लाइट डेली उड़ती हैं। लेकिन ज़रा सोचो, एक हवाई जहाज़ आसमान में करीब 41 हज़ार फीट की ऊँचाई पर उड़ रहा है और अचानक से उसका फ्यूल ख़त्म हो जाए तो क्या हुआ होगा उसके साथ। ये घटना 1983 में एयर कनाडा फ्लाइट 143 के साथ हुआ था। इस घटना से एक दिन पहले ये फ्लाइट टोरंटो से एडमोंटन गई, जहां उसे रेगुलर मेंटेनेंस चेकअप करवाना था। 23 जुलाई 1983 की सुबह प्लेन एडमोंटन से मॉन्ट्रियल की तरफ चल दिया। मॉन्ट्रियल पहुंचकर फ्लाइट मेंबर्स को अपनी ड्यूटी एक्सचेंज करनी थी। यहीं पे एंट्री होती है इस प्लेन के नए पायलट कैप्टन रॉबर्ट प्लेयरसन की, जिनके पास 15,000 घंटों का फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस है। एविएशन इंडस्ट्रीज़ में आपके एक्सपीरियंस को घंटों में रिकॉर्ड किया जाता है और 15,000 घंटों का एक्सपीरियंस उस वक्त के कुछ चुनिंदा पायलट्स के पास ही होते थे। उनके साथ इस प्लेन को उड़ाने आए थे फर्स्ट ऑफिसर मुरेश क्वांटल, जिनके पास करीब 7,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। ये वो वक्त था जब कनाडा अपने पुराने मेजरमेंट सिस्टम यानी इंपीरियल यूनिट से नए मेट्रिक सिस्टम में अपग्रेड कर रहा था। इंपीरियल यूनिट और मीट्रिक सिस्टम दोनों मेजरमेंट सिस्टम हैं। जैसे आज दुनिया में हर जगह एसआई यूनिट इस्तेमाल की जाती है, वैसे उस वक्त दोनों मेजरमेंट का इस्तेमाल किया जाता था और ये अपग्रेडेशन प्रोसेस इस दुर्घटना की सबसे बड़ी वजह बन गई। प्रॉब्लम ये हुई कि कनाडा एविएशन इंडस्ट्रीज उस वक्त सभी 767 प्लेन में नया मैट्रिक सिस्टम इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन बाकी सभी प्लेन में वही पुराना इंपीरियल यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था। रिफिलिंग टीम को फ्लाइट नंबर 143 को 23,300 केजी फ्यूल भरने के लिए बोला गया था। अब ये फ्लाइट एयर कनाडा 143 भी एक 767 प्लेन ही था, लेकिन बिल्कुल नया होने की वजह से रिफ्यूल टीम को लगा कि इसमें भी पुराना इंपीरियल यूनिट का इस्तेमाल किया जाना है और उन्होंने 23,300 केजी की जगह उसमें केवल 22,300 पाउंड्स फ्यूल भरा, जो कि ज़रूरत से करीब आधा ही फ्यूल था। अब फ्लाइट क्रू ने गलती ये कर दी कि उन्होंने टेक ऑफ से पहले फ्यूल लेवल को बिना चेक किए ही फिर रिफ्यूलिंग टीम को कन्फर्मेशन दे दिया और प्लेन टेक ऑफ कर लिया। अब आसमान में करीब 41,000 फीट की ऊँचाई पर कैप्टन को एक सिग्नल दिखाई देता है जो ये बताता है कि प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया। वो लोग मॉन्ट्रियल से फ्यूल भरकर वापस एडमंटन जा रहे थे, लेकिन जब उन्हें इंजन बंद होने की खबर मिली तो वो बीच रास्ते पर ही थे। उनके सबसे पास एक छोटा विनीपैक एयरपोर्ट था। फ्लाइट कैप्टन ने सोचा कि वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट इंजन के बंद होने के तुरंत बाद ही राइट इंजन भी बंद हो गया। जब कैप्टन ने इसकी वजह जानने की कोशिश की तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि जमीन से करीब 41,000 फीट ऊपर हवा में प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया है। प्लेन में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो टरबाइन के घूमने से ही जनरेट होती है। अब प्लेन के दोनों टरबाइन सिर्फ और सिर्फ हवा की मदद से घूम रहे थे, इसलिए वो ज़्यादा तेजी से नहीं घूम पा रहे थे कि वो पूरे प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी दे पाए। कॉर्पोरेट में बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी और इसी वजह से बहुत सारे मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट भी बंद हो गए थे। कैप्टन पियर्सन और उनके फर्स्ट ऑफिसर को मिलकर जल्दी ये डिसाइड करना था कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि उनके क्रू और 61 पैसेंजर्स की ज़िंदगी अब उन दोनों के हाथों में ही थी। उनके पास फ्यूल नहीं था, दोनों इंजन्स बंद हो चुके थे, लाइट ना होने की वजह से वहाँ के काफ़ी इंस्ट्रूमेंट भी बंद पड़े थे, केवल कुछ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट ही काम कर रहे थे। अब उन्होंने सबसे पहले 767 का इमरजेंसी मैनुअल गाइड खोला और ये देखना शुरू किया कि दोनों इंजन बंद हो जाने पर उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत ढूंढने पर उन्हें पता चला कि उस मैनुअल में ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं। उस दिन से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था और मैनुअल बनाने वाले टीम ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ऐसी कंडीशन भी कभी आ सकती है, और इसलिए उस मैनुअल में इसका कोई उपाय भी मौजूद नहीं था। कैप्टन प्लेसर ने वहीं कहीं सुपर सीरियस लैंडिंग करने का फैसला किया। अब यहां पर भी प्रॉब्लम ये हुई थी कि लाइट ना होने की वजह से उनका वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर और एल्टीट्यूड इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था, यानी उनके पास ये जानने का कोई भी तरीका नहीं था कि वो कितनी ऊंचाई पर हैं और कितनी स्पीड से नीचे जा रहे हैं। कैप्टन ने अपना पूरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया और प्लेन को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगे। कैप्टन 400 किलोमीटर पर आर की स्पीड से प्लेन को नीचे की तरफ ग्लाइड कर रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर ये कैलकुलेट कर रहे थे कि इस स्पीड से हम नीचे बिना बैग के इमरजेंसी लैंडिंग स्पॉट पर पहुँच सकते हैं या नहीं। प्लेन में मौजूद मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम द्वारा बताए गए डिस्टेंस को कैलकुलेट करने पर उन्होंने देखा
देखा कि वो काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहे हैं और बहुत ही कम आगे बढ़ पा रहे हैं। इस कंडीशन में वो दिए गए इमरजेंसी स्पॉट पर नहीं पहुँच सकते। तभी फर्स्ट ऑफिसर को उनके पुराने एयरफोर्स बेस गिमली की याद आई, जो वहीं पास में मौजूद था। कैप्टन पियर्सन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कैलकुलेट किया कि शायद वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी को ये बात पता नहीं थी कि उस बेस को हटाकर वहाँ पर अब रेस ट्रैक बना दिया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, रेस ट्रैक पर भी तो इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सकती है अगर वो खाली हो तो। उस वक्त वहाँ पर एक रेस चल रही थी और पूरा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ था। जहाँ ड्रैग रेसिंग करी जाती है वो हिस्सा खाली था। कैप्टन ने प्लेन को वहीं लैंड करवाने का फैसला किया। प्लेन के लैंडिंग गियर्स को ग्रेविटी ड्रॉप की मदद से बाहर निकाला गया। किसी भी तरह की लैंडिंग के लिए वर्टिकल स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन उनके पास ये रिस्क लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर भी कुछ ऐसा था जो उनके लैंडिंग को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बना सकता था। पहला कि उनके प्लेन के इंजन काम नहीं कर रहे थे और उनके प्लेन में लाइट भी नहीं थी, तो उसमें कोई भी आवाज़ नहीं हो रही थी और बिना लाइट्स के उसे देख पाना भी काफ़ी मुश्किल था। इसीलिए नीचे बैठे मौजूद लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनके तरफ क्या आ रहा है। दूसरा, उनके फ्रंट व्हील, जिसे नोज व्हील भी कहते हैं, ग्रेविटेड ड्रॉप के वक्त वो ठीक से लॉक नहीं हो पाया था। तीसरा, जब वो ऊपर हवा में थे तो उनके हॉरिजॉन्टल स्पीड ज़्यादा थी। टरबाइन ब्लेड इससे पास हो रही हवा की वजह से काफ़ी तेज़ी से घूम रहे थे और ठीक ठाक पावर जनरेट कर पा रहे थे, जिससे हाइड्रोलिक सिस्टम काम कर रहा था। लेकिन अब नीचे आने के बाद और हॉरिजॉन्टल स्पीड कम होने के वजह से ब्लेड्स बहुत ही धीरे धीरे घूम रहे थे, जिसकी वजह से हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम में पूरी पावर नहीं पहुंचा पा रही थी और इसी वजह से प्लेन को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा था। अब ऐसे में दो बहुत ही अच्छी चीज़ हुई, जिसकी वजह से शायद बहुत सारे लोगों की जान बच गई। पहला, नोज बेल्ट ठीक से लॉक नहीं हुआ था। अब जैसे ही प्लेन ने ज़मीन पर पहला कॉन्टैक्ट किया, कैप्टन पियर्सन ने पूरे फोर्स के साथ ब्रेक लगाया, जिसकी वजह से वो नोज बेल्ट वापस अंदर चला गया और प्लेन का आगे का हिस्सा जमीन से जा टकराया और जमीन पर घिसता चला गया। इससे पिक्सन की वजह से प्लेन की स्पीड काफ़ी कम हो गई। अब ये अच्छी बात इसलिए थी क्योंकि अगर फ्रंट व्हील लॉक हो जाता तो पूरी तरह ब्रेक लगाने के बाद भी वो इतनी जल्दी इस प्लेन को स्लो नहीं कर पाते और शायद वो प्लेन वहाँ पर मौजूद बैठने वाली जगह पर, जहाँ काफ़ी सारे लोग बैठकर रेस देख रहे थे, उनसे जा टकराता। अब कैप्टन ने पिछले व्हील्स के केवल राइट ब्रेक लगाए, जिससे मेन लैंडिंग गियर टूट गया और प्लेन का सेंटर वाला पार्ट भी जमीन से टच हो गया। इससे और भी ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट हुआ और आखिरकार प्लेन रुक गया। फ्यूल ख़त्म होने और दोनों इंजन्स के बंद होने के करीब 17 मिनट बाद प्लेन ज़मीन पर लैंड हो चुका था। इस हादसे में किसी को भी ज़्यादा गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन हाँ, कैप्टन पियर्सन को 6 महीने के लिए डिमोट कर दिया गया और फर्स्ट ऑफिसर को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि ऐसा उन दोनों की वजह से ही हुआ था। उन्होंने बिना फ्यूल लेवल को चेक किए ही फ्यूल का क्लियरेंस दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी ऐसी कंडीशन में प्लेन को सही सलामत लैंड करवाने की वजह से उन दोनों को आउटस्टैंडिंग एयरमैनशिप की वजह से FAI ने सम्मानित किया और उन्होंने अपना पायलट करियर जारी रखा। उस 767 प्लेन ने भी कुछ मेंटेनेंस करवाने के बाद एयर कैनेडा के लिए बहुत सारी उड़ानें भरी और करीब 25 साल बाद 2008 में उसे रिटायर कर दिया गया। वो 17 मिनट उस प्लेन में मौजूद हर एक इंसान कभी भी नहीं भूल पाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी प्लेन में सफ़र किया है? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप में से जो लोग पायलट बनना चाहते हैं, उन्हें इन पायलटों से कुछ सीखना चाहिए, जिन्होंने कैसे अपनी और उन 61 पैसेंजर्स की जान बचाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें।